सो हेलो गाइस, क्या आप भी अपनी वेबसाइट के लिए कोई डोमेन नेम ढूंढ रहे हैं जो कि फ्री में आपको मिल जाए? तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो में आ गए हो। आज मैं आपको डोमेन से रिलेटेड जानकारी भी दूंगा और नया डोमेन आपको फ्री में खरीदवा कर भी दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को बस आपको लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों, अभी मैं आपको ले चलूंगा मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ पर बताऊंगा कि आपको कौन सी वेबसाइट पर किस तरीके का फ्री डोमेन मिलेगा। उससे पहले आपको डोमेन की थोड़ी सच्चाई मैं आपको बता दूँ, जो बहुत से लोग आपको छिपाते हैं। समझिएगा मेरी यहाँ पर बात ध्यान से। जो डोमेन होता है वो इंटरनेट पर कोई एक तरीके का नाम उसको खरीद रहे हो। मान लीजिए google.com, तो ये जो .com, .in, .org, .net ये जो डोमेन्स होते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल डोमेन है जिनको बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है। इसलिए इनकी कुछ फिक्स्ड अमाउंट होती है, जैसे कि $6, $8 पर मंथ के हिसाब से। तो दोस्तों, आप अगर इन डोमेन्स को सोच रहे हो कि फ्री में मिल जाएंगे, तो आप भूल जाइए। फ्री में ये डोमेन्स कहीं आपको रखे नहीं मिल सकते कि .com, .in, .net ये सब महंगे डोमेन्स होते हैं। कोई भी वेबसाइट इनको फ्री में आपको अवेलेबल करा के नहीं दे सकती है। तो आप कहोगे भाई क्या यार, ये जो यूट्यूब पे बाकी वीडियोस बनी है क्या झूठ है? तो झूठ नहीं, मैं आपको बता दूं, होता क्या है कि साल भर डेढ़ साल में कोई एक वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट कुछ देर के लिए, एक दो घंटे के लिए ऑफर लेके आती है कि आपको .com डोमेन फ्री में मिल रहा है। ठीक है, अब वो .com डोमेन फ्री में मिल रहा है, पर उसके साथ में कुछ ना कुछ ऐड कर देंगे कि आपको होस्टिंग भी लेनी पड़ेगी, या फिर आपको कोई SSL सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। मतलब कोई एक चीज ऐसी ऐड कर देंगे कि आपको उसको खरीदोगे तो उनको प्रॉफिट होगा, और फिर भी बता दूं कि आपको तब भी फ्री में नहीं मिलेगा। होता क्या कि मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट का नाम, मान लीजिए मेरी वेबसाइट का नाम है spcracker, तो हो सकता है spcracker.com पहले से ही किसी ने रजिस्टर्ड करा रखा हो। तो जरूरी थोड़ी ना कि आपको .com डोमेन मिल ही जाएगा। तो आप जिस नाम पे वो डोमेन रजिस्टर्ड कराना चाहते हो, वो डोमेन आपको फ्री में नहीं मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है वो पहले से ही किसी ने .com, जब आप मान लीजिए कोई पहले खरीद लिया है, तो आपको फ्री में कैसे दे सकते हैं? तो इसीलिए वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर आता है, और कभी कभी आता है आपको, मैं बताऊं कि मान लीजिए अभी मेरे को वेबसाइट बनानी है और मैं सोच लूं कि spcracker.com कहीं फ्री में डोमेन मेरे को मिल जाए, नहीं मिल सकता है। तो ये एक कड़वी सच्चाई है। दोस्तों, आपको फ्री में कौन से डोमेन मिलेंगे? मान लीजिए .ga, .cq, .tk, .ml इस टाइप के फ्री में डोमेन मिल जाएंगे। अब दोस्तों, ये डोमेन हम लोग क्यों खरीदेंगे, मेरा समझिएगा मोटिव क्या है यहाँ पे कहने का। जो लोग फ्री में डोमेन खरीदते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या जुड़ी होती है? उनके पास अभी पैसे नहीं है महंगे डोमेन खरीदने के लिए। तो वो अभी समझो कि या तो वो वेबसाइट अपने लिए सीख रहे हैं वेबसाइट बनाना, या फिर वो एक वेबसाइट बनाकर थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। तो पैसा तो आप फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग को खरीद के एक वेबसाइट बना के भी कमा सकते हो, उस पर ऐड चला के। जरूरी नहीं कि आप महंगे डोमेन खरीदो, ऐसा तो नहीं है। और अगर आपके पास, जब आप मान लीजिए इसी, मान लीजिए मैंने spcracker.ga ये डोमेन फ्री में खरीदा और इस पर मैंने वेबसाइट बनाकर कुछ हज़ार रुपए कमा लिए एक साल के अंदर, फिर मैंने एक .com डोमेन खरीद लिया, उसको उसके साथ रजिस्टर्ड कर दिया, तो मतलब ये कि पहले आप फ्री से स्टार्ट करो और थोड़ा बहुत जब पैसे आने लगे तब आप ऊपर लेवल पर जा सकते हो। और स्टार्टिंग में तो आपको वेबसाइट अगर बनाना सीखना है, वेबसाइट डिजाइन कैसे की जाती है, वेबसाइट के बारे में थोड़ा बहुत टेम्पलेट कैसे लगाया जाता है, स्क्रिप्ट कैसे इंस्टॉल की जाती है, तब तो फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग ही आपको लेनी है। अब मान लीजिए कि फ्री डोमेन जो होते हैं .tk, .ga, .ml इन पे भी कुछ ना कुछ सिस्टम होता है कि ये आपको सिर्फ एक साल के लिए ही दोस्तों फ्री में मिलेंगे। एक साल बाद ये जब एक्सपायर हो जाएंगे तो आपको इनको रिन्यू कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो अब मैं आपको सबसे ज़्यादा फ्री में एक ऑप्शन बताता हूँ कि आप एक साल के लिए डोमेन ले लो। मान लीजिए एक साल में आप पैसे नहीं कमा पाए तो आप सब डोमेन का यूज़ करो। अब ये सब डोमेन क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं फ्री होस्टिंग के वेबसाइट पर गए हो, तो फ्री होस्टिंग जहाँ से लोगे वहीं पर आपको एक फ्री सब डोमेन मिलेगा। जैसे कि मेरा spcracker नाम है वेबसाइट का, तो उसके पीछे उस कंपनी का नाम लग जाएगा। जैसे मैंने मान लीजिए ब्लॉगर पे कोई अपनी वेबसाइट बनाई है, तो लिख के आएगा spcracker फिर कंपनी का नाम .blogspot.com। इस तरीके से जो blogspot.com है, ये उस कंपनी का नाम है और ये उसके मेरे नाम के पीछे लग जाएगा। तो इसको कहते हैं सब डोमेन। डोमेन के साथ उनको अपनी कंपनी का प्रमोशन करने का मौका भी मिल जाता है। ऐसे में आपको तो बिल्कुल ही बढ़िया है, आपको होस्टिंग भी फ्री में मिलेगी। जहां पे होस्टिंग मिलेगी वहीं पे फ्री में सब डोमेन भी उनका मिलता है कंपनी के साथ में। तो आपको ना होस्टिंग की टेंशन लेनी है, ना सब डोमेन की टेंशन लेनी है। आपको डोमेन भी मिल रहा है, होस्टिंग भी मिल रहा है, आप बढ़िया से वेबसाइट बना सकते हो। तो सब डोमेन कहां से लेना है, कौन सी अच्छी वेबसाइट है, वो इस वीडियो में भी मैं बता दूंगा आपको। वहां पे आपको अनलिमिटेड डिस्क स्पेस भी मिल जाएगा, अच्छी बैंडविड्थ भी मिल जाएगी, और आपको एक सब डोमेन भी फ्री में मिल जाएगा। तो आप स्टार्टिंग में अगर वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हो या फिर कहीं पर थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हो, तो आप सब डोमेन से भी कमा सकते हो। तो सब डोमेन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो आपके कंपनी, मतलब आपकी वेबसाइट का नाम है, उसके साथ में एक अलग से नाम जुड़ जाएगा जो आप जहां पे होस्टिंग ले रहे हो उस कंपनी का नाम।
मान लीजिए आपने वर्डप्रेस पे इन लोगों का फ्री में सब डोमेन लिया तो क्या लगेगा, spcracker.wordpress.com इस तरीके का सब डोमेन लग जाता है। अब ये निर्भर करता है कि वो कंपनी किस टाइप का सब डोमेन देती है। मान लीजिए मैं जहाँ पे आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे लोग UNAUX देते हैं, spcracker.unaux.com इस तरीके का सब डोमेन देते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, फ्री डोमेन आपको एक साल के लिए मिल जाएगा और सब डोमेन आपको लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप चाहो तब तक अच्छे से यूज कर सकते हो। जब आपको वेबसाइट बनाना आ जाए, थोड़े बहुत पैसे कमा लो, तब आप फ्री में नया डोमेन आप रजिस्टर करा सकते हो। तो अब मैं आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर चुका हूं, ले चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पे, आपको ट्यूटोरियल में दिखाता हूं कि कैसे आपको फ्री डोमेन लेना है, कैसे आपको फ्री सब डोमेन लेना है और कैसे वेबसाइट बनानी है। तो चलिए मेरे साथ मोबाइल स्क्रीन पे बिना समय गवाए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे आपको फ्री डोमेन किस वेबसाइट पे मिलेगा। उसके लिए क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए, उसमें गूगल सर्च इंजन ओपन कीजिए, यहाँ पे लिखिए फ्री नॉम, तो FREENOM.com FREENOM.com स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कोई दूसरी साइट भी ओपन हो सकती है। अब यहाँ पे इस साइट पे आप आ चुके, ऊपर देख सकते हो फ्री नॉम और यहाँ पे लिखेगा सबके लिए एक नाम लिखा है, आपकी मैं डोमेन लिख किया गया, ये हिंदी में इसलिए है बहुत साल पहले मैंने इसको एक बार ओपन किया था, तब मैंने इसको हिंदी में सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ जैसे ही आओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर्ड करें, तो यहाँ पे आपको एक नया क्या कहते हैं अकाउंट बना लेना होगा, मतलब साइन अप कर लेना होगा। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ और साइन इन करने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से आप डोमेन ले सकते हो। आप यहाँ पे गूगल के जरिए भी साइन इन हो सकते हो, बाकी आप अपनी मर्जी से ईमेल और पासवर्ड भी चूज कर सकते हो। चलिए मैं साइन इन होने के बाद आपको दिखाता हूँ डोमेन कैसे लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं साइन इन हो चुका हूँ। अब यहाँ पे ये हेलो शुभम इसलिए लिख के आ रहा है कि पहले मैं यहाँ पे एक बार अकाउंट बना चुका हूँ इसी आईडी से, तो यहाँ पे मैंने पूरी अपनी डिटेल भर रखी है, मतलब मैंने अपना नाम, फ़ोन नंबर और थोड़ा बहुत एड्रेस वगैरह ये लोग भरवाते हैं। और ये कॉमन सी बात है कि जहाँ पे भी आप एक डोमेन लोगे तो वहाँ पे आपका नाम, फ़ोन नंबर ये सब भराया जाता है डिटेल के लिए, कि डोमेन एक कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, होल ऑफ इंटरनेट में, पूरे इंटरनेट में आप एक नाम खरीद रहे हो, तो उसके लिए आपकी डिटेल वहाँ पे देना ज़रूरी है। अब यहाँ पे चलिए एक नया डोमेन खरीदते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या क्लिक करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड आ न्यू डोमेन। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ अच्छे से आपको समझाता हूँ, बिल्कुल जूम करके आपको दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, और आप दोस्तों वीडियो की क्वालिटी को 480 पिक्सल पे करके देखिए तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे फाइंड अ न्यू डोमेन पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिखता हूँ और आपको यहाँ पे कोई ऐसा डोमेन सर्च करना है जो बिल्कुल यूनिक नेम का हो, कोई भी बिल्कुल यूनिक नाम देखिए। वैसे मैं spcracker सर्च करता हूँ, देखता हूँ इस नाम का यहाँ पे डोमेन अवेलेबल है या फिर नहीं है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप मत सोचिएगा कि .com.in आपको मिलेगा, वो भूल जाइए, वो आपको जो मैंने पहले ही बताया था कि नहीं मिलने वाला, फ्री में तो नहीं मिलेगा इतना मैं जानता हूँ। जैसे चेक अवेलेबिलिटी पे आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे देखिए सारे डोमेन जितने फ्री वाले होंगे सब आ जाएंगे। फ्री में आपको क्या क्या मिलेगा, spcracker.tk spcracker.ml spcracker.ga.cf.gq ये आपको मिल जाएगा, ओके। और यहाँ पे पेड डोमेन में .com है जो कि यहाँ पे US डॉलर में $8.38 का है, तो यहाँ पे .net.org ये सब आपको पेड में मिल जाएंगे। पर फ्री में मैं यहाँ पे आपको जो फ्री डोमेन मिल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, .ga भी काफ़ी अच्छा डोमेन होता है, तो मैं इसको यहाँ पे चेकआउट करूँगा। तो गेट इट नाउ पे आपको क्लिक करना है, जैसे गेट इट नाउ पे क्लिक करोगे तो चेकिंग होगा, चेकिंग के बाद सिलेक्टेड के बाद ऊपर आपको चेकआउट पे क्लिक करना है। यहाँ पे चेकआउट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से आपका डोमेन आपके कार्ट में चला गया। अब आप यहाँ पे आपको इसकी पीरियड, टाइम पीरियड सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितने टाइम के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मुझे देखिए यहाँ पे कितने टाइम के लिए फ्री मिलता है, तो आपको 12 महीने तक ये फ्री में मिलेगा, आपको एक महीने से लगा के 12 महीने तक आपके लिए फ्री है, मतलब एक साल आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद रिन्यू कराने के लिए आपको यहाँ पे $9 देने पड़ेंगे, तो एक साल आप यूज़ करिए तब तक आपको काफ़ी मतलब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, आप वेबसाइट बनाना सीख जाओगे और उससे पैसे भी कमा लोगे, तो फिर आप उसको नया डोमेन कन्वर्ट कर सकते हो। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, टाइम पीरियड सिलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब ये डोमेन मेरे लिए परचेस हो चुका है, अभी मेरे अकाउंट में आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टोटल ड्यू टुडे, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऑर्डर करना है। ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे इनको टर्म्स एंड कंडीशन आपको फिल करनी होंगी, तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद में आपको बिल्कुल भी एक भी रुपए नहीं डालना है, यहाँ पे जीरो कॉस्ट के लिए है, और कंप्लीट ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। कंप्लीट ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहीं पे डिटेल भराई जाएंगी, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, सारी डिटेल आपसे 1-to-1 भरा ली जाएंगी। मैंने यहाँ पे पहले भर रखा है इसलिए हो सकता है मेरे से लोग ना भराएं, और आपको भरना ज़रूरी है, सभी जगह भरी जाती हैं, तो आप भर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे ऑर्डर
नंबर मेरे को मिल चुका है। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर मैंने छुपा रखा है कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। यहाँ पे लिख के आ रहा है चेक हेयर टू गो टू क्लाइंट एरिया, तो क्लाइंट एरिया के लिए आप यहाँ से जा सकते हो। अब यहाँ पे ये मेरे लिए पूरी तरीके कन्वर्ट हो चुका है और मेरे पास एक फ्री डोमेन मिल चुका है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डोमेन आपको कहाँ पर मिला होगा। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो माई डोमेन्स का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये इस पर आपको क्लिक करना है। माई डोमेन्स पर जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर hpcricket.ga नाम से आपको एक डोमेन मिल गया है और यहाँ पर रजिस्टर्ड करी हुई डेट भी दिख गई है 2021-07-3, मतलब 3 जुलाई 2021 को रजिस्टर्ड किया जाता है और एक साल बाद मतलब 1 ईयर बाद आपको यहाँ पे ये एक्सपायर हो जाएगा। तो 1 ईयर बाद होगा 2022-07-3, मतलब 3 जुलाई 2022 में ये समाप्त हो जाएगा, इसकी एक्सपायरी डेट हो जाएगी। अब आपको इसको होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर मैनेज डोमेन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर मैनेज वाले डोमेन पर ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से मैनेजमेंट टूल और DNS वाली सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको डोमेन लेना तो सिखा दिया, कहोगे भाई होस्टिंग कनेक्ट करना भी सिखा दो, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पक्का सिखा दूंगा। अब चलिए सब डोमेन भी दिखा देता हूँ कि सब डोमेन आपको कैसे खरीदना है। उसके लिए चलते हैं न्यू टैब पे यहाँ पे, और यहाँ पे अब जो वेबसाइट बताने जा रहा हूँ वो सब डोमेन की है। तो सब डोमेन आपको मालूम होगा कि जहाँ पे होस्टिंग होती है वहीं से वो लोग अपना एक सब डोमेन भी देते हैं, मतलब अपने नाम का एक डोमेन देते हैं, वहाँ से भी आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हो। तो यहाँ पे लिखना है profreehost.com और ये एक वेबसाइट खुल के आ जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे स्पेशलिटी वगैरह बता देते हैं, आपको अनलिमिटेड डिस्क स्पेस मिल जाएगा इनकी होस्टिंग जो कनेक्ट रहेगी आपके डोमेन के साथ, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाएगी, MySQL डेटाबेस का सपोर्ट मिल जाएगा, कंट्रोल इजी कंट्रोल पैनल, वेबसाइट बिल्डर 100% फ्री, नो हिडन कॉस्ट, फ्री सब डोमेन आपको मिल रहा है 99.9% अप टाइम में और नो फोर्स एड्स हैं। ओके, तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है आपको इस वाले ऑप्शन पे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी देनी होगी और यहाँ पे साइनअप कर लेना होगा। तो मैं ईमेल आईडी और इससे लॉगिन कर लेता हूँ, अगर आप पहली बार हो तो यहाँ पे, दूसरी बार हो तो लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे चलिए करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या होना है। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने रजिस्टर करने के बाद में अकाउंट खोल लिया है अपना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पे नाम पहले से ही, ये नाम क्या है spcracker.unaux.com। तो ये मैंने एक सब डोमेन पहले ही इस वेबसाइट से ले रखा है और यहाँ पे मैं अपना जब मन होता है तब कोई नया वेबसाइट बनाकर देख लेता हूँ, चेकआउट कर लेता हूँ, इसी से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि मैंने सब डोमेन जैसे बताया था, तो यहाँ पे थोड़ा समझिए spcracker क्या नाम है, मेरी कंपनी मेरी वेबसाइट का नाम है spcracker, ठीक है, और ये इनका unaux.com ये इनका सब डोमेन है। तो यहाँ पे वैसे अगर हमको लेना, अगर मैं खरीदता तो मुझे क्या मिलता है spcracker.com, पर अगर मैंने सब डोमेन लिया है तो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है spcracker.unaux.com। आप इसको जब गूगल पे सर्च करोगे तब मेरी वेबसाइट ओपन कर होके आएगी जो इसमें मैं बनाऊंगा, पर अगर मैं पैसे देता तो डायरेक्ट मेरे को spcracker.com मिलता। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों मैं एक नया डोमेन आपके सामने इनके मतलब सॉरी डोमेन इस सब डोमेन खरीद के दिखाता हूँ। सब डोमेन में आपको डोमेन तो मिलते ही है दोस्तों यहाँ पे, और इनके साथ में इनकी होस्टिंग भी बढ़िया वाली मिल जाती है जो आप दोनों काम कर सकते हो। बस आपको करना क्या होगा, आपको अपनी कंपनी के साथ में इनका ये नाम यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे समझ चुके हो, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों अभी जो इंटरफेस खुलता है वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे लॉन्च अ न्यू वेबसाइट, अगर अब यहाँ पे आप मान लीजिए डोमेन से कनेक्ट करना चाहते हो, जो आपका पहले मतलब मैंने डोमेन वालों फ्री नॉम पे खरीदा था, तो आपको फ्री नॉम पे ये जो है ये इनको पेस्ट करना होता है, वो फ्री नॉम जो था मतलब फ्री नॉम और ये वेबसाइट दोनों कनेक्ट हो जाती आपस में, तो यहाँ पे आपका डोमेन कनेक्ट हो जाता। पर यहाँ मेरे को सब डोमेन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वेबसाइट विथ सब डोमेन पे क्लिक करूँगा। ओके, तो यहाँ पे कस्टम डोमेन यहाँ पे दिख रहा है, ये कस्टम डोमेन अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते तो आपको वाला डोमेन मिलता जो फ्री नॉम पे आपने ख़रीदा उससे कनेक्ट कर सकते हो, पर मुझे यहाँ पे फ्री डोमेन चाहिए तो यहाँ पे फ्री डोमेन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे मैं डालूँगा YT help। ओके, तो YT help डालता हूँ, मेरी वेबसाइट का नाम मान लीजिए YT help है। तो अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, स्पेस सॉरी नहीं देना है, स्पेस नहीं दिया जाता है। ओके, अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है YT help इज अवेलेबल। तो यहाँ पे आपको दो सब डोमेन मिलते हैं, इनमें से कौन कौन से आपको मिलता है मैं दिखा दूँ। आप या तो ये ezyaro.com सेलेक्ट कर सकते हो या फिर ये सेलेक्ट करते हो unaux.com। तो मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है पढ़ने में इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है। अब आपको ये राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका नाम क्या बनेगा yt help unaux.com, जैसे spcracker.unaux.com मिला था वैसे ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, अब ये डोमेन यहाँ पर मेरे लिए रजिस्टर्ड कर रहे हैं लोग इस नेम के साथ में, तो सब डोमेन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर में।
अब यहाँ पे आपको करीबन 30 मिनट लगते हैं, 30 मिनट नहीं तो 15 मिनट तो लगेंगे ही। 15 मिनट बाद आपको यहाँ पे मैं लाता हूँ और दिखाता हूँ कि आप अपने क्लाइंट सर्वर पे कैसे जाओगे, वेबसाइट डेवलप कैसे करोगे। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लोडिंग चल रही है रेगुलर। आपको यहाँ पे 30 मिनट बाद आना है और 30 मिनट बाद जब आप आओगे तो यहाँ पे आपके अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएंगे। आप यहाँ से 3 सब डोमेन ले सकते हो, तो मैंने 3 में से 2 ले लिए, इसलिए यहाँ पे 2/3 दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 मैंने ले लिया, 3 निम्न ले सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को मिला है या नहीं मिला है। तो ईमेल हम लोगों को आ जाता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने जैसे कहा था कि 15 या 30 मिनट बाद यहाँ पे आपका डोमेन रजिस्टर्ड हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 मिनट ही हुए हैं और यहाँ पे देखिए ईमेल इन लोगों का आ गया है। अब ईमेल पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे लिखा है ये योर अकाउंट एक्टिवेटेड, ओके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमने अकाउंट खरीदा था वो यहाँ पे एक्टिवेटेड हो चुका है सक्सेसफुली। तो जब ऐसे कुछ ईमेल आते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि यार हाँ सक्सेसफुली, सब तो बहुत अच्छा लगता है। अब चलते हैं अपने क्लाइंट एरिया में जहाँ से हम लोगों को वेबसाइट बनानी होती है। तो यहाँ पे गो टू क्लाइंट एरिया, चूज क्रोम ब्राउजर, ओके। तो यहाँ पे पेज ओपन होता है, उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे वेबसाइट कहाँ से बनाई जाती है, सब मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा राइट टिक लग के आ चुका है और YTHelp.unaux.com रजिस्टर्ड हो चुका है। अब मैनेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम लोगों को एक सी पैनल दिया जाएगा जिसको कहते हैं कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल या सी पैनल आप कुछ भी कह सकते हो, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे अब आपको थोड़ी चीज़ों को मैं बता देता हूँ। अगर आप पहली बार आए हो कंट्रोल पैनल पे तो आप बिल्कुल अभी यहाँ पे नए हो तो यहाँ पे समझिए। यहाँ पे अब आपको एग्री करना होगा आई अप्रूव, क्योंकि आपको ईमेल वगैरह मिलने चाहिए टाइम टू टाइम, इसलिए यहाँ पे पूछते हैं। तो आई अप्रूव कर दिया मैंने, थैंक्स द पैनल इज़ नाउ लोड, ओके। अब पैनल यहाँ पे खुल चुका है, ये हमारा सी पैनल होता है। सारी वेबसाइट्स जितनी भी बनती हैं सब इसी कंट्रोल पैनल से बनती हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल के बिना अगर आप इसके बारे में जानते नहीं हो तो बिल्कुल आप कुछ नहीं जानते हो। अब वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, तो वेबसाइट आप जब नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टवेयर क्लस ऐप इंस्टॉलर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे हजारों वेबसाइट बनाने की यहाँ पे स्क्रिप्ट मिल जाएंगी, जिसमें बिना कोडिंग के आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हो। लाइक आप यूट्यूब जैसी वेबसाइट बना सकते हो, इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट बना सकते हो, और यहाँ पे अमेजॉन जैसी वेबसाइट बना सकते हो, और यहाँ पे कोई गाने की वेबसाइट बना सकते हो सॉन्ग्स की, या फिर आप यहाँ पे कुछ भी कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, कोई फॉरम बना सकते हो, विकीपीडिया वेबसाइट बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती हैं। अब यहाँ पे वर्डप्रेस पे आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, जूमला पे बना सकते हो, और यहाँ पे आप अगर कोई अमेजॉन जैसी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो ये एवेंटी कार्ट पे बना सकते हो, और कोई अगर सोशल मीडिया वेबसाइट बनाना चाहते हो तो PHP BB पे बना सकते हो। और यहाँ पे हजारों स्क्रिप्ट्स आपको मिल जाएंगी, आपको जिस टाइप की वेबसाइट बनानी है, मान लीजिए सोशल नेटवर्किंग एड मैनेजमेंट पे बनानी, कोई गेमिंग वेबसाइट बनानी है, कोई आपको ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक अमेजॉन या पे फ्लिपकार्ट जैसी बनानी है, या फिर आपको कोई यूट्यूब जैसी वेबसाइट बनानी है तो आप वीडियो पे आ जाओ इस वाले सेक्शन पे, गाने पे आ जाओ यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जिस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा। आप कहोगे कि भाई मेरे को बनाकर भी दिखाओ, वो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको कोई भी वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा, चाहे यूट्यूब की हो, अमेजॉन की हो, या फिर वर्डप्रेस पे भी हो। और एक पूरा ट्यूटोरियल आएगा कम से कम 2 या 3 घंटे का, जो वर्डप्रेस चलाना मैं जिस पे सिखाऊंगा और वर्डप्रेस पे पूरी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा। तो वो अभी थोड़ा सा टाइम लेके आएगी, अभी मैं पहले HTML के ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहा हूँ, उनको मैं अपलोड करूँगा, उसके बाद वो वीडियोस आएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। जाते जाते मेरी मेहनत को साकार करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।